Hello friends, welcome to Vibha Teaching Academy. My name is Vibha and today we are going to learn about use of had. आज का मेरा ये video use of had के बारे में है. It is based on basic English grammar. Friends, previous video में हमने uses of have and has के बारे में देखा था. अगर आपने मेरा वह video नहीं देखा है तो उसका link आपको यहीं पर description box में मिल जाएगा. So, do check it out. Had is very easy to use. All subject with had feel the same. Had का प्रयोग बहुत ही आसान है. सभी subject के साथ had ही लगता है. इसका प्रयोग past perfect tense के लिए किया जाता है. Had का अर्थ होता है था, थे, थी. Subject I, we, you, they, he, she, it और सभी noun के साथ में had ही लगता है. मेरे पास क्या था यह बताने के लिए हम इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं. रूल्स देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ए एन प्लस ऑब्जेक्ट. इसके एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज आई हैड अ पेन. मेरे पास एक पेन थी. वी हैड अ हाउस. हम लोगों के पास एक घर था. यू हैड अ कार. आपके पास एक कार थी. दे हैड इनफ टाइम. उनके पास पर्याप्त समय था. He had a computer. उनके पास एक कंप्यूटर था. यहाँ पे हमने देखा I, we, you, they, he के बाद हमने had का ही प्रयोग किया है. Next example is 6-1. She has a beautiful ring. उसके पास एक सुंदर अंगूठी थी. 7th. It had good color. इसका रंग अच्छा था. Ram had two notebooks. राम के पास दो कॉपियाँ थी. यहाँ पे भी हमने She, it, राम के बाद हैड का ही प्रयोग किया है. अब ये बातें हमारे पास अगर नहीं होती, ये सारी चीजें हमारे पास नहीं होती, तो इन नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारा वाक्य किस प्रकार का होता. सबसे पहले रूल्स देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे जो कि सिंपल पास्ट टेंस के लिए किया जाता है. उसके बाद नॉट लगाएंगे और सभी सब्जेक्ट के बाद हैव का ही प्रयोग होगा. उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे. सो एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज आई डिड नॉट हैव अ पेन. मेरे पास एक पेन नहीं थी. वी डिड नॉट हैव अ हाउस. हम लोगों के पास घर नहीं था. दे डिड नॉट हैव इनफ टाइम. उनके पास पर्याप्त समय नहीं था. ही डिड नॉट हैव कंप्यूटर. उनके पास कंप्यूटर नहीं था. यहाँ पे हमने आई वी दे ही के बाद डिड नॉट का प्रयोग करके हैव का ही प्रयोग किया है. नेक्स्ट एग्जांपल इज शी डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल रिंग. उसके पास सुंदर अंगूठी नहीं थी. राम डिड नॉट हैव टू नोटबुक्स. राम के पास दो कॉपियाँ नहीं थी. यहाँ पे भी हमने शी के बाद डिड नॉट प्लस हैव का प्रयोग किया है. उसके बाद राम डिड नॉट प्लस हैव का प्रयोग किया है. इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर हमारा वाक्य प्रश्न के रूप में होता है तो कैसे होगा. रूल्स देखते हैं. सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के पहले हैड का प्रयोग करेंगे. सो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ए एन प्लस ऑब्जेक्ट. यानी उसके बाद हम लोग वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हमारा वाक्य क्या से शुरुआत होता है, इसलिए सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे, बाद में सब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स आर फर्स्ट वन हैड आई अ पेन. क्या मेरे पास एक पेन थी. हैड वी अ हाउस. क्या हमारे पास एक घर था. हैड दे इनफ टाइम. क्या उनके पास पर्याप्त समय था. यहाँ पे हमने देखा आई वी दे के पहले हमने हैड का प्रयोग किया है और वाक्य के अंत में हमने सभी वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैड शी अ ब्यूटिफुल रिंग. क्या उसके पास एक सुंदर अंगूठी थी. हैड राम टू नोटबुक्स. क्या राम के पास दो कॉपियाँ थी. यहाँ पे भी हमने देखा कि हैड का प्रयोग पहले करके फिर बाद में हमने सब्जेक्ट किया है और वाक्य के अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है. सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. सो मेरे वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा. लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइबर्स.
और पास ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।